आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी ये खबर है। सरकारी कार्यों की तमाम योजनाओं का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस दौरे के दौरान किया है। तो गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम सरकारी कार्यों का, तमाम योजनाओं का उन्होंने निरीक्षण किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये गोरखपुर दौरा, तमाम योजनाओं का निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए सीएम योगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वन्य जीवों से काफी लगाव है। जब भी वे अपने शहर यानी कि गोरखपुर आते हैं तो चिड़ियाघर जरूर जाते हैं। और आज मुख्यमंत्री का शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में वन्य जीवों के प्रति काफी लगाव भी देखने को मिला। चिड़ियाघर में भ्रमण के दौरान सीएम योगी ने बाड़े में मौजूद जानवरों को पुचकारा और उन्हें उनके पसंद की चीजों को भी खिलाया पिलाया। इस दौरान लखीमपुर खीरी से रेस्क्यू कर पकड़े गए शेर का नामकरण भी रखा गया। एक स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी अपने शहर गोरखपुर दौरे पर होते हैं तो उनका वन्य जीवों के प्रति काफी लगाव देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही शनिवार को शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में वन्य जीवों के प्रति उनका लगाव देखने को मिला। इन तस्वीरों को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं, मुख्यमंत्री ने सबसे पहले गुजरात से लाए गए बब्बर शेर की जोड़ी भरत और गौरी को बाड़े में छोड़ा। जैसे ही सीएम योगी ने ट्रॉल का गेट खोलकर ये कहा कि चले जाओ, बब्बर शेर दौड़ते हुए बाड़े में चला गया। मुख्यमंत्री ने यहाँ चिड़ियाघर के निदेशक एवं डीएफओ विकास यादव से दोनों शेरों के बारे में जानकारी ली। अफसरों को भी गर्मी के दौरान जानवरों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। गर्मी की वजह से सीएम टोपी लगाए नजर आए। बब्बर शेर के जोड़े को बाड़े में छोड़ने के बाद सीएम योगी ने बाड़े के पास हरी शंकरी पौधे का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। सीएम योगी ने चिड़ियाघर का भ्रमण करने के दौरान भालू बिल्लू के बाड़े में बाहर जैसे ही नाम लेकर बुलाया, भालू दौड़कर सीएम योगी के पास पहुंचा। सीएम ने उसे मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम खिलाई, थोड़ी देर हंसी ठिठोली की। फिर गैंडों की जोड़ी हरी और गौरी के बाड़े के पास पहुंचे और अपने हाथों से दोनों को चारा खिलाया। गैंडों की ये जोड़ी मुख्यमंत्री को काफी प्रिय है और इसके पहले 2 जून को वो यहां आकर उन्हें केले खिला चुके हैं। सीएम योगी के साथ वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचते, आप देखिए कि चिड़ियाघर पहुंचे थे, उन्होंने बकायदे शेर से, बब्बर शेर से लगातार तमाम जो अलग अलग जो बाड़े पे जो जानवर थे वो उनसे उन्होंने मुलाकात की है। और बकायदे मुलाकात करने के बाद जो है उनसे जो है कई बार जो पुचकारा भी है, उन्हें आवाज़ भी दिया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब देखिए यहाँ गाड़ी में सवार होकर के बकायदे अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं, चूंकि कई जगहों पर निरीक्षण करना है और बकायदे एनेक्सी भवन भी जाएंगे और वहाँ भी जा कर के वो बैठक लेंगे। ऐसे में यहाँ पर जो है 2 बब्बर शेरों को जो है चिड़ियाघर में गए बाड़े से निकाला गया है और बकायदे एक का नामकरण भी रखा गया है, जिसमें से एक शेर का नाम शक्ति रखा गया है जो लखीमपुर खीरी से जो है वहाँ से उसको रेस्क्यू किया गया था। तो ऐसे में अपने आप में बड़ा दिन है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर तकरीबन 45 मिनट से एक एक बाड़े में जाकर के वहां के जानवरों का हालचाल लेते हुए नजर आ रहे थे, उन्हें चारा खिला रहे थे और वहां यहां के लोगों से, जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। तो 17 जून को बकरीद होनी है, जिसको लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बकरीद पर कहीं भी कुर्बानी नहीं हो सकेगी, कुर्बानी के लिए जगहों को चिन्हित किए जाने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर भी रोक है। तो वहीं दूसरी